वैसे तो आपने वीडियो देख के पता लगा लिया होगा कि आज के जो वीडियो ये किस लिए बना रहा हूँ मैं, और इस डांस वीडियो में आपको किस चीज़ के स्टेप में सिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा चलेंगे ट्यूटोरियल पे, क्योंकि जैसे मैं क्लासेस देता हूँ, मैं वेडिंग संगीत भी करता हूँ, कोरियोग्राफी करता हूँ, तो मैं जहाँ सिखाने जाता हूँ तो सबका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, मतलब ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भैया नॉर्मली बात सर के हम जैसे आप शॉप पे सिखा रहे हो तो हम कर लेते हैं, पर जैसे हमारे घर में कभी ढोल बजता है तो सब डांस के लिए खेलते हैं, पर मुझे ढोल पे डांस करना ही नहीं आता है। मोस्ट ऑफ बॉयज की ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेडीज लोग गर्ल्स तो नॉर्मल घूमर डांस को भी कर लेता है। हम घूमर का भी बनाएंगे, बट आज जो लेके आया हूँ फाइव बेसिक मूव है जो कि आप किसी भी ढोल पे कर सकते हो, या फिर मान लो आप किसी डीजे पे डांस कर रहे हो और कोई पंजाबी सॉन्ग बज रहा है तो भी आप ये जो नॉर्मल बेसिक फाइव मूव्स है वो यूज कर सकते हो। तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आना है इस चैनल पे, और जो आपका फ्रेंड है जिसको मतलब प्रॉब्लम है भंगड़ा डांस करने में, या फिर ढोल पे जो पंजाबी ढोल बजता है उस पर डांस नहीं आता है, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि वो ये वीडियो देख के पांच जो बेसिक मूव है वो सीख सके और शादी में मजे ले सके और डांस दिखा सके अपना। ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और आपको कौन से डांस की प्रॉब्लम है, कौन से डांस में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका ट्रेलर जरूर बनाऊंगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं स्टेप्स पे। आते हैं हम स्टेप्स पे। देखो बेसिकली लोग जो पंजाबी बजता है उसके सेम ही बजता है, चाहे वो राजस्थान में या कहीं भी हो। तो अब करना क्या है, फर्स्ट स्टेप फाइव बेसिक स्टेप है। फर्स्ट स्टेप पे क्या है, अपोजिट चलेंगे चाहे कोई भी हो, जैसे राइट हैंड के साथ चल रहा है लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड के साथ चल रहा है राइट लेग। तो फर्स्ट जैसे मैं राइट ही हूं तो मैं पहले राइट से करूंगा, तो फाइव सिक्स सेवन को मैंने बोला अपोजिट, यानी कि राइट हैंड अप, इसी फर्स्ट फिंगर रखना ही है, पंजाबी डांस में मोस्ट ऑफ रहते ही है। तो करना क्या है, फाइव सिक्स सेवन को वन, यानी कि लेफ्ट लेग को हिप रहना है वन, सेम चीज, और इसको नीचे शोल्डर से मारना है, यानी फाइव सिक्स सेवन को वन फिर राइट टू लेफ्ट थ्री राइट फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिंपल है, अपोजिट है वन टू थ्री फोर। मीन दैट अगर आप चाहो तो जैसे शुरुआत में जो है ये चीज, ये तो एडवांस मतलब मीन दैट थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक शोल्डर्स और नेक चलने लग जाएगी, पर पहले आपको शुरुआत करनी है वन टू थ्री फोर, और हाथ आगे आ रही जाना है, जैसे ही ऊपर जा रहा है थोड़ा सा टक ये चक मारते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये था फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, जैसे मैं राइट हैंड थ्रू में तो राइट ही जाऊंगा, तो राइट में जाते हुए आपके जो नेक चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिंपल है, जैसे मैं राइट में गया वैसे मैं लेफ्ट में आया। तो करना क्या है, अब हैंड जिस साइड आप जा रहे हो उस साइड का हैंड रहेगा स्ट्रेट और उसका अपोजिट है, यानी अगर राइट साइड जा रहे हैं तो राइट स्ट्रेट है और लेफ्ट बेंड है, पोजिशन हमारी सिंगल जो फर्स्ट स्टेप थी वही सेकेंड स्टेप है। करना क्या है, फाइव सिक्स सेवन दो, अब देखना तो जरिए वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, और थोड़ा सा दिस वन, ये बहुत सिंपल चीज है, शोल्डर्स को ऊपर नीचे करना है, बस करना कब है जैसे हम चेंज करें स्टेप तब करना, यानी फाइव सिक्स सेवन को वन टू थ्री एंड फोर पे मेरा लैग लैग अप हुआ और एक लैग, आप लैग मार लो, आप लैग मार लो या दिस वन ये भी कर सकते हो, तो अब इधर आ रहे फोर, अब लैग जा रहा है फाइव सिक्स सेवन एट, देखो अपोजिट चीज है, राइट गए लेफ्ट होगा लेफ्ट जा रहे राइट होगा, ठीक है देखो वापस देखो फाइव सिक्स सेवन दो वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और ये चीज कंटिन्यू है। ओके ये द सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड देखा जाए बहुत इजी है, क्योंकि इसमें बाउंस एक तो ही बाउंस है दिस वन, ठीक है जैसे कि और ये मुट्ठी भर और खोलनी, और एक बार मिलेगा फिर चेंज होनी है,
मिलेगा नीचे, तो ये करेंगे पाई सिस्टम को 1 2, थोड़ा सा लेग्स को आगे की तरफ ले जाएगा पाई सिस्टम को 1 2 चेंज, 2 के बाद चेंज करना है, यानी कि 1 2 चेंज 3 4, तो आप देख सकते हो राइट हैंड अब लेफ्ट स्ट्रेट है और राइट लेफ्ट से ठीक कर रहा हूं, जो हैंड आप है उसका अपोजिट ठीक हो रहा है ओके, और जो लेग ठीक हो रहा है वो हैंड डाउन है, यानी 5 6 7 2 1 2 चेंज 3 4 चेंज 5 6 चेंज 7 8, इजी है, चेंज ओवर आ रहा है पंक्ति के बीच में आ रहा है, यानी कि आपका चलेगा 1 2 चेंज 3 4 चेंज 5 6 चेंज 7 8 10, दिस वन ये, और थोड़ा जस्ट को अप डाउन, यानी कि बाहर इसको जिसे पॉपिंग में जस्ट पॉप बोला जाता है, जस्ट पॉप, तो ये अपने को बस पूरा यूज में लेना है तरीके से ओके। ये भी आप शुरुआत में ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे भले आप हाथ बीच में मत जोड़ो, अभी सीधा सिंपल हो ये भी कर सकते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका हैंड क्लोज मिल जाएगा। तो ये स्टेप नंबर थर्ड ना, स्टेप नंबर फोर्थ, ये बहुत ही ज्यादा ईजी है, इसमें क्या करना है आप सीधे कर, तो आपको लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड दोनों एक साथ सेट, ये वापस देखो जैसा पाइप नहीं बैठते हैं दिस वन, वही चीज करनी है बस थोड़ा सा डांस टाइम करना है, यानी कि 5 6 7 को 1 2 3 4, यह कुछ नहीं है, इस लेग को यहां तक लेके आया और जब वापस अपनी जगह लेके गया तो इसको डेप 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 और डेप फोर्थ राउंड में मैंने टिप किया, यानी कि 5 6 7 को 1 2 3 4, और शोल्डर पे दोनों चल रहे, देखो पंजाबी डांस में कॉमन चीज है दिस वन, हैंड फिंगर ये रहेंगे दोनों ऐसे और एल बनाना मिल जाएगा उठा दिए फर्स्ट फिंगर और शोल्डर कंटिन्यू ये चलेंगे, तो 5 6 7 को 1 2 3 4, सेम चीज आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो 5 6 7 8, ठीक है ये जाएगा 1 2 3 4 आपको सीधा रहना है राइट रखा और वापस, मीन दैट लेफ्ट लेग को राइट साइड रखा और वापस लेफ्ट लेके आया, यानी कि जाएगा 5 6 7 को 1 2 3 4, सेम चीज 5 6 7 8 ओके। तो म्यूजिक में तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया कि आप इसको म्यूजिक में कैसे कर सकते हो और सॉन्ग कोई भी हो, अच्छा आप इसका रिदम इसकी स्पीड आप कहाँ कर रहे हो, ढोल किस स्पीड में बज रहा है या जिस म्यूजिक में आप कर रहे हो वो किस स्पीड में म्यूजिक चल रहा है, सॉन्ग कौन सा, उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। और बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, तो एनर्जी और एक पोजीशन प्रॉपर वे में, जैसे शोल्डर्स को मूव करना है, हर चीज का ध्यान रखना और ये फिंगर याद रखना।